नमस्कार मित्रों, ज्ञान की बात में आज मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी बातें जो कि बहुत देसी उपाय है। सब किसान ये उपाय कर सकते हैं उनकी खेती में। और ये उपाय क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आज ज्ञान की बात में मैं जिस चीज़ के ऊपर आपसे बात करूँगा वो है जीवामृत। जीवामृत का अर्थ क्या है कि जीव अमृत यानि जीवाणुओं से भरपूर, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर, बहुत सारे हार्मोन्स यानि जो पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी ऐसे तत्व होते हैं जिसको हार्मोन्स बोला जाता है। अलग अलग अवस्थाओं में हार्मोन्स का विषय के ऊपर चर्चाएँ होती है। कृत्रिम हार्मोन्स जो आते हैं कृत्रिम प्रकार के केमिकल फॉर्म में, वो होते हैं GA होता है, 6BA होता है, यूरेसिल होता है, होमोब्रोसिनाइट्स होते हैं। ये सारे कृत्रिम केमिकल हार्मोन्स होते हैं। पर अगर हम देखें कि यही हार्मोन्स अगर जैविक रूप में, सेंद्रिय रूप में अगर हमारे पास है तो वो किस फॉर्म, वो जीवामृत में पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। ऐसा जीवाणु एक परिपूर्ण ऐसा खाद है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी है, नाइट्रोजन भी है, जिसके अंदर आपके पेड़ के लिए जो पोषक तत्व है वो भी है। जीवामृत के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है, जीवाणु के अंदर जंतु निरोधक प्रॉपर्टीज़ भी है। जीवामृत ये कीटनाशक के तौर पर भी काम किया जा सकता है, जीवामृत ये टॉनिक के तौर पर भी काम होता है। और जीवामृत से हमारे पेड़ में आने वाले जितने भी नैसर्गिक अनैसर्गिक तनाव है उससे हम निजात पा सकते हैं। ये जीवामृत हमारे ऐसे गुण हैं, फायदे हैं। जीवामृत तैयार कैसे किया जाता है, हमारे प्लॉट में हम कैसे तैयार करते हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको। हमारे प्लॉट में जीवामृत के स्प्रे भी होते हैं और ड्रिप से भी जीवामृत हफ्ते में एक बार दिया जाता है। तो हम किस प्रकार से तैयार करते हैं जीवामृत के लिए, हम लोग क्या करते हैं, 200 लीटर पानी में लगभग 10 किलो देसी गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं। 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र। जर्सी गाय का नहीं चलेगा, आपको देसी गाय का ही गौमूत्र डालना पड़ेगा। और साथ में काला गोड़ या काला जैगरी बोलते हैं, काला गुड़ जो एकदम रॉ फॉर्म में आता है, प्रोसेस्ड गुड़ नहीं यूज़ करना है हमें, काला गुड़ इस्तेमाल करना है। और ये जो काला गुड़ जो होता है, ये काला गुड़ क्या करता है, एक मिनट में बैठ जाता हूँ। काला गुड़ से क्या होता है, जो जीवामृत के अंदर जो उसकी जो सड़ने की प्रक्रिया है या उसमें जो जीवाणुओं की निर्मित की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है। आप उसके अंदर फलों का रस भी डाल सकते हैं, जो फल वेस्ट हो जाते हैं वो फलों को काट के भी आप उसमें डाल सकते हैं, उसका ख़राब भाग निकाल के। शुगर केन जूस यानी गन्ने के रस भी डाल सकते हैं, गन्ने से रस निकाल के वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी। बड़ का जो पेड़ होता है या मराठी में उम्बराचा झाड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे देखना पड़ेगा, जो उम्बर होता है उसकी भी नीचे की मिट्टी चलेगी और बड़ के झाड़ के नीचे की मिट्टी भी चलेगी। ये हम उसमें मिला देते हैं और इसको 200 लीटर बैरल को कपड़े से ढक के सुबह शाम अपने को हिलाना है, थोड़ी तीन बार हिलाना है, सुबह तीन बार शाम को, ऐसा आपको दो बार उसको हिलाना है। और 48 घंटे के बाद आपका जीवामृत यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब जीवामृत 48 घंटे से बन जाता है, 48 घंटे से आप उसको फॉलियर स्प्रे में से भी यूज कर सकते हैं, ड्रिप से भी आप यूज कर सकते हैं, या आप स्लरी के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं बड़े पैमाने पे बना के। अब ये जीवामृत जो है ये 7 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है, 7 दिन तक इसके जीवाणुओं की जो बढ़ोतरी वो होती रहती है, 7 दिन में वो पीक पर पहुँच जाती है, यानी 7 दिन में उसमें पूरी मात्रा में जीवाणु बन जाते हैं। इसलिए 7 दिन तक यूज़ करो, ज़्यादा पुराना जीवामृत यूज़ मत करो, फ्रेश बनाओ, फ्रेश यूज़ करो। जितना अपने फार्म को लगता है 200 लीटर उतना बनाओ, 400 लीटर बनाओ, 600 लीटर बनाओ,
हजार लीटर की टंकी में बनाया तो भी चलेगा। अब होता क्या है, जीवामृत का उपयोग क्यों करना है हमें स्प्रे में से, तो जीवामृत क्या करता है, पत्तों की साइज बढ़ाने का काम करता है, यानी लीफ इंडेक्स बढ़ाने का काम करता है। ये मैंने प्रॉपरली देखा है प्रैक्टिकल यूज करने में। अब पत्तों की साइज बढ़ाने का फायदा क्या है, तो उसका सिंपल रीजन है कि एक स्क्वायर फीट एरिया में जितने पत्ते होते हैं हमारे पेड़ के ऊपर, वो एक स्क्वायर फीट एरिया में से पौधा 12.5 किलो सूरज की जो ऊर्जा है कैलोरीज में गिनी जाती है, वो 12.5 किलो कैलोरीज सूरज की ऊर्जा लेता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ज़मीन में से जो पानी और न्यूट्रिएंट्स उसको जाते हैं, तो ये सब का इस्तेमाल करके पौधे के पत्ते खाना बनाते हैं, जो कि एक दिन में एक स्क्वायर फीट एरिया में से पौधा 4.5 किलो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और 4.5 किलो कार्बोहाइड्रेट्स में से 4 ग्राम यानी 4.8 ग्राम शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और उसमें से लगभग 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पौधा फलों की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करता है और अन्य कई जगह पर उसका उपयोग होता है। तो जितने पत्तों की संख्या अच्छी रहेगी, जितने पत्तों की साइज़ अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा ऊर्जा निर्मित, उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पौधा बनाएगा, और जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा उतने आपकी फलों की साइज़ अच्छी बनेगी। और ये देसी उपाय है, इसको हम सब लोगों ने करना चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए, और केमिकल फ्री रेजिड्यू फ्री अनार्किक फार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। गाय के गोबर में, देसी गाय के गोबर में इतने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इतने जीवाणु होते हैं, और वो इतने बड़े पैमाने पे वो जीवाणुओं को गोबर में जो बनते हैं उसमें से वो जीवाणु बड़े पैमाने पे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बनती है जीवामृत के अंदर। और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जैसे हम जीवामृत का स्प्रे करेंगे, पौधा बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, फंगस से लड़ने के लिए उसमें वो रोग प्रतिकार शक्ति बनेगी, और पौधा कम से कम बीमारियों को सामना करेगा। उसी प्रकार से कीटों के मामले में भी जीवामृत का इस्तेमाल किया जा सकता है और करना चाहिए किसानों ने, ताकि हमारा जो दूसरे पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, और रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में उसका फ़ायदा हमें हो जाए। तीसरी चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवामृत के मामले में, वो है कि जीवामृत को अगर हम ड्रिप में से देते हैं जड़ों को, तो जड़ों का विस्तार, जड़ों का विकास बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जीवामृत एक ह्यूमिक एसिड की तरह भी काम करता है, ज़मीन में फुलविक एसिड की तरह काम करता है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व बन जाते हैं जो ज़मीन में जड़ों की बढ़ोतरी के लिए बहुत मदद करते हैं। और गाय के गोबर में इतने जीवाणुओं की संख्या होती है कि वो जीवाणुओं की वजह से ज़मीन पोरस हो जाती है, और पोरस होने की वजह से ज़मीन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ज़मीन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो वाइट रूट्स अच्छे बनेंगे, और जो हार्मफुल जो जीव है जैसे निमेटोड्स है, या ज़मीन में जो फंगस है जिससे हमारे यहाँ विल्ट के प्रॉब्लम आते हैं, जिससे हमारे अनार के पौधे जल्दी से जल्दी मर जाते हैं, वो बीमारियाँ कंट्रोल करने में और जड़ों की रक्षण करने के लिए जीवामृत का आप ड्रिप से इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जीवामृत की मैंने कुछ फ़ायदे आपको गिनाए, ये तो कुछ फ़ायदे मैंने बताए, बाकी असंख्य ऐसे फायदे हैं, आप जीवामृत का यूज आपके फार्म में जब करोगे तब आपको आँखों से देखने को मिलेंगे। इसलिए सब किसान मित्रों से विनती है कि ड्रिप से कम हफ्ते में एक बार आपको जीवामृत ड्रिप से देना है, और हफ्ते में एक बार कम से कम जीवामृत का आपको एक बार स्प्रे लेना है। स्प्रे में आप उसका डोज 5 ml से लेके 10 ml तक कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml से 10 ml तक आप जीवामृत को छान के, अच्छी तरह से छान के, डबल फिल्टर करके, कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आप उसका फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपके पत्तों के ऊपर जो पड़ने वाला जैविक अजैविक तनाव है वो दूर हो जाएगा। जैसे कि भाई सूरज की तप्त गर्मी पड़ती है पौधे में, फलों के ऊपर स्कॉर्चिंग आती है, सनबर्निंग आती है, पत्ते नरम पड़ जाते हैं गर्मियों में, पत्ते काम करना कम करते हैं, ये होता है अबायोटिक स्ट्रेस। और ये अबायोटिक स्ट्रेस से लड़ने में
जीवामृत का बहुत बड़ा रोल है। आप जीवामृत को अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा, आने वाले वक्त में उसका बड़ा रोल रहने वाला है। तो आप गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र, बाद में आप उसमें गुड़, काला गुड़, फिर फलों का रस, गन्ने का रस, साथ में आप उसमें आखिरी में आपको डालना है चने का आटा भी डाल सकते हैं आप 1 किलो, जिससे आपका जीवामृत बहुत अच्छा बनेगा। और साथ में बड़ के झाड़ के नीचे की मिट्टी या उम्बर के झाड़ के नीचे की मिट्टी अगर आप डालोगे तो उससे आपका जीवामृत, वो मिट्टी भी आपको 1 से 2 किलो डालना है, मैं 1 से 2 किलो डालता हूँ, उतना पर्याप्त हो जाता है, उतने में अपना जीवामृत बहुत अच्छा बन जाता है। और आप जीवामृत का इस्तेमाल कीजिए, जीवामृत के असंख्य फायदे आप देखिए, और विषमुक्त और नेचुरल फार्मिंग की तरफ, साथ में बैलेंस केमिकल फर्टिलाइज़र और बैलेंस केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करके हम अच्छी से अच्छी अनार की खेती कर सकते हैं। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप रासायनिक खाद का यूज़ करना बंद कर दो, आप रासायनिक दवाइयों का, पेस्टिसाइड का यूज़ करना बंद कर दो, पर उनका साइड इफ़ेक्ट हमारे नेचर को, इन्वायरमेंट को नहीं होना चाहिए, और साथ में हमारा उत्पादन अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमें जीवामृत का इस्तेमाल साथ में करना है। और बहुत सारे जो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में जो कीटक है या रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में जो फंगस है, उनके प्रति रोग प्रतिकार शक्ति भी उनकी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए जीवामृत का इस्तेमाल हमें हर 7 दिन में हमारे अनार के बगीचों में करना है। ठीक है मित्रों, आज की ज्ञान की बात में इतना ही कहूँगा, बाय बाय। ये हमारी देसी गाय है जिसका हम जीवामृत के लिए यूज करते हैं। ये देसी गाय है, प्योर देसी गाय है, इसका ही गोबर और गौमूत्र का हम यूज करते हैं जीवामृत बनाने के लिए।